तो एक और जीवनी है आपके कोर्स में पंडित कृष्णराव शंकर जी की, बाकी दो जीवनी उस्ताद फैयाज़ खान और उस्ताद बड़े गुलाम अली खान मैंने करा दी है। लेकिन अगर बाय चांस ये प्रश्न वैसे तो ऑप्शन में आता है, आएगा, लेकिन अगर नहीं आता, कुछ हो जाता है, तो आप इसको भी थोड़ा ग्लैंस करके जाएं, इसलिए मैंने ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। जन्म इनका ग्वालियर में हुआ 26 जुलाई 1894 में। पिता का नाम शंकर राव जी, ये भी संगीतज्ञ थे, तो स्टार्टिंग में इन्होंने अपने बेटे को ही संगीत की तालीम स्टार्ट कर दी थी। प्रारंभिक शिक्षा श्री हद्दू खान और श्री नत्थू खान ने इनको दी और 12 वर्ष तक ये श्री निसार हुसैन खां के यहाँ संगीत साधना में जुटे रहे। चारित्रिक विशेषताएं बताएं तो ये सरल स्वभाव के थे। इनकी कुछ पुस्तकों का उल्लेख किया जाए तो विषयक साहित्य इन्होंने लिखी, हारमोनियम, सितार, जलतरंग, तबले के विषय में भी इन्होंने कई पुस्तकें निकाली। संगीत सरगम सार, संगीत प्रवेश, संगीत आलापचार संचारी, ये इनकी कुछ विशेष पुस्तकें थी जो इन्होंने लिखी। इनकी उपाधियों की बात करें तो गायक शिरोमणि, ये इन्हें संगीत तोधारक सभा ने नाम दिया। गायन विशारद अहमदाबाद संगीत विभाग ने दिया। संगीत रत्नालंकार ग्वालियर दरबार ने इनको दिया। 1913 के अंदर ग्वालियर नरेश जो थे, यानी ग्वालियर के जो राजा थे, महाराजा थे, उन्हें शिक्षक रूप में नियुक्त कर दिया। दरबार छोड़ दिया इन्होंने, कुछ समय तक काम किया शिक्षक के रूप में, लेकिन किन्हीं कारणवश दरबार छोड़कर देशाटन यानी कि देश भ्रमण के लिए निकल गए। 1914 में शंकर गांधर्व विद्यालय, अपने पिता के नाम पर एक विद्यालय की नींव रखी, जहाँ पर संगीत की शिक्षा आज भी दी जाती है। 1926 के अंदर दरबारी गायक नियुक्त किए गए। ग्वालियर नरेश ने इनको अपने दरबार में दरबारी गायक के रूप में नियुक्त कर लिया। इनका मानना था कि राग और लय की दृष्टि से गायन को सर्वदा शुद्ध रखना चाहिए, यानी गायन शास्त्रीय संगीत हमेशा शुद्ध रहना चाहिए। देखिए, गायन आपके कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन शुद्ध गायन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब हम शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं, आप किसी भी प्रकार के स्वरों का उपयोग नहीं कर सकते, आप किसी भी स्केल पर नहीं जा सकते, आपको अपनी आवाज़ के साथ मैच करना पड़ेगा शास्त्रीय संगीत को। शास्त्रीय संगीत में किसी एक पर्टिकुलर नोट पर ही आप जा सकते हैं। अगर आपकी आवाज़ टूट रही है, बिखर रही है, तो वो शास्त्रीय संगीत का अपमान माना जाता है। तो एक पर्टिकुलर शुद्ध स्वर जो है आपको लगाना है, उसकी इनकी दृष्टि से ये मानना था शास्त्रीय संगीत में। तानों का, गम का, जमजमा का, खटकों का बहुत प्रयोग किया इन्होंने अपनी आलापचारी में, और क्रमशः इनका ही प्रयोग करते रहते थे। जब भी स्थाई गाते, अंतरा गाते, तो इनका प्रयोग ज़रूर करते थे। 1947 में माधव संगीत महाविद्यालय में नियुक्त किए गए और 1962 में खैरागढ़ विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की डिग्री इन्होंने प्राप्त करी। 1973 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया राष्ट्रपति द्वारा, और इनके 4 पुत्र थे, दो मैंने अलग लिखे हैं, दो अलग लिखे हैं, ये नाम आप हूबहू लर्न कर लीजिए, चंद्रकांत और सदाशिव, और नारायण और लक्ष्मण के आगे आप इनका जो सरनेम है राव पंडित, ये आप जोड़ दीजिए, नारायण राव पंडित और लक्ष्मण राव पंडित, ये इनका नाम हो जाएगा। तो ये थे पंडित कृष्ण राव शंकर। इनकी भी समरी, इनकी भी बायोग्राफी आपके पेपर में आ सकती है, अगर ऑप्शन नहीं आया तो, ठीक है। तो दिस वॉज द वीडियो ऑल अबाउट पंडित कृष्ण राव शंकर जी।